तो जब से केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ था यानी कि नवंबर, बस तभी से हिंदू मुस्लिम को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब फिल्म ने अच्छा खासा काम कर लिया है, इनफैक्ट 200 करोड़ का नंबर भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन इस फिल्म पर बातचीत अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने मुस्लिम्स को लेकर एक बड़ी बात कही थी, वो अक्सर अपनी बेबाकी के लिए तो जाने जाते ही है। इस बातचीत में नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाना आजकल फैशन सा हो गया है, और साथ ही उन्होंने द केरला स्टोरी की सक्सेस को खतरनाक ट्रेंड बताते हुए उसका कंपैरिजन नाजी जर्मनी से भी कर दिया था। बस तभी से नसीरुद्दीन शाह खबरों में आने लग गए थे। नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और अपने मन की बात बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटते, जस्ट लाइक कंगना रनौत, लेकिन इन अ गुड वे। हालांकि उस स्टेटमेंट के बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था। अब उनके उस स्टेटमेंट पर बीजेपी नेता और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार यानी कि मनोज तिवारी ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है, और वो कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं है। मनोज तिवारी ने नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी नीयत ही सही नहीं है। तो मनोज तिवारी से जब नसीरुद्दीन शाह के द केरला स्टोरी पर दिए गए उस बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक मीडिया पोर्टल से बातचीत करते हुए नसीरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट पर नाराजगी जताई और कहा कि वो एक अच्छे एक्टर है लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ये बात मैं बहुत ही भारी मन से कह रहा हूँ। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि नसीर साहब ने उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई जब फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि दुकान पर बैठा हुआ आवारा आदमी आने जाने वाली महिलाओं को छेड़ता था। हालांकि अपनी बात पर जोर देते हुए मनोज तिवारी ने आगे ये भी कहा कि द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल सच्ची कहानी पर ही बेस्ड है। मनोज तिवारी इसी पर आगे बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह पर गुस्साए भी। इसके आगे भी उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें कुछ दिक्कत है तो वो कोर्ट जाए, किसी भी चीज पर अपनी टिप्पणी देना बेहद ही आसान काम होता है, ये जिस तरह से चीजें कहते हैं उन्होंने भारतीय नागरिक और एक इंसान के तौर पर अच्छी पहचान नहीं बनाई है। वैसे नसीरुद्दीन शाह ने रिसेंटली अपनी बातचीत पर ये भी कह दिया था कि अफवाह, भीड़ और फराज तीनों फिल्में देखने लायक फिल्म्स थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी, कोई भी उन फिल्मों को देखने नहीं गया, लेकिन जब द केरला स्टोरी आई तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि द केरला स्टोरी मैंने अभी तक देखी नहीं है, मेरा उस फिल्म को देखने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही फिल्म के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। लग तो रहा है कि मनोज तिवारी को नसीरुद्दीन शाह पर काफी टाइम से गुस्सा था जो इस बार फाइनली बाहर निकल गया है। वहीं नसीरुद्दीन शाह का अभी इस पर फिलहाल कोई भी रिएक्शन नहीं आया है जो भी मनोज तिवारी ने उनके खिलाफ बोला है, लेकिन जैसे ही आएगा ऑफ कोर्स हम आपको सबसे पहले बताएंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है ही कि द केरला स्टोरी चाहे फिल्म रिलीज हो चुकी हो, फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली हो, सक्सेसफुल साबित हो गई हो, लेकिन इस पर कॉन्ट्रोवर्सी अभी नहीं रुकने वाली है। खैर जितने लोग उतनी बातें, ये तो होता ही है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में गाइस इतना ही। आप ऐसे ही देखते रहिए ईएनटी लाइव। अगर ये वीडियो और ये अपडेट पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ अपने व्यूज नसीरुद्दीन शाह और मनोज तिवारी के स्टेटमेंट्स पर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना।